प्रीलिम में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जा सकते हैं, और मेंस के लिए क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, और कौन से टॉपिक को कितना इम्पोर्टेंस मिला है वो भी हमने देखा था। आप पिछले वीडियो में वो एनालिसिस जाके देख सकते हो। जो एनालिसिस हमने देखा था उसमें हमने ये देखा था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मेंस में पूछे गए हैं वो पोल्यूशन चैप्टर से पूछे गए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि पोल्यूशन चैप्टर जो है उसमें क्या क्या आता है, एयर पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, लाइट पोल्यूशन, वेस्ट पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। तो हमें क्या करना है कि एक एक एरियाज लेके उसमें उसके कॉजेस यानी कि रीजंस, फिर उस पर सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं और उसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, ये सब फाइंड आउट करना है। और इतना हम फाइंड आउट करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसके आगे जाके कोई किसी और एरियाज पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो आपका एक टॉपिक पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, हर एक पार्ट्स को कवर कर लेंगे, और वैसे ही आगे के जो चैप्टर्स है उसमें भी हम कवर कर लेंगे एरियाज, ठीक है। पहले हम लेते हैं एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन होने के पीछे दो मोस्ट रीज़न है, एक है नेचुरल कॉजेज और दूसरे हम बोल सकते हैं मैनमेड कॉजेज, मैनुअल कॉजेज, ठीक है। जो नेचुरल कॉजेज है उसमें आता है फॉरेस्ट फायर, ठीक है। तो फॉरेस्ट फायर होने के पीछे नेचुरल कॉजेज भी होते हैं। वैसे देखा जाए तो फॉरेस्ट फायर होने के पीछे मैनुअल कॉजेज भी हो सकते हैं, बट नेचुरल कॉजेज का भी पार्ट हो सकता है, इसलिए हमने इसमें उसको कवर कर लिया, ठीक है। फॉरेस्ट फायर होने की वजह से क्या हो जाता है, कार्बन बाहर निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी। अब ये जो वोल्केनिक एक्टिविटी है तो उस वजह से क्या हो जाता है, H2S बाहर निकलता है, H2SO4 बाहर निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर वोल्केनिक ऐश बाहर निकलती है, तो उससे क्या हो जाता है, एयर पोल्यूशन हो जाता है। डस्ट स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म जब आता है या फिर होता है तब क्या हो जाता है, जो ज़मीन में या फिर जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उस स्टॉर्म के साथ क्या हो जाता है, वो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, और उस वजह से क्या हो सकता है, एयर पोल्यूशन। लैंडस्लाइड, अभी फिलहाल हम बहुत सारी लैंडस्लाइड एक्टिविटी देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो उस वजह से भी क्या हो जाता है, एयर पोल्यूशन। अब अगर मैनुअल कॉजेज की बात करें तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट रीजन ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं, और फॉसिल फ्यूल बर्निंग की वजह से क्या हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, राइट। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं क्रॉप रेसिड्यू। अब ये क्रॉप रेसिड्यू का मोस्टली प्रॉब्लम आपको दिल्ली NCR रीजन में दिखाई देता है। वहाँ पे मान लो कि वीट कल्टिवेशन किया या फिर पैडी कल्टिवेशन किया, तो उसके बाद जो ज़मीन में रेसिड्यू रह जाते हैं तो वहाँ के फार्मर क्या करते हैं, उसको सीधा जला देते हैं। उसे जलाने के बाद क्या हो जाता है, कुछ एक ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो बाहर निकलते हैं, एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे होना नहीं चाहिए, ठीक है। फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र में हमें पता है कि हम NPK का यूज़ करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिससे क्या हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है। राइस कल्टिवेशन, अब ये राइस कल्टिवेशन जब आप करते हो तब हमें पता है कि वाटर लॉक्ड एरिया होना चाहिए, यानी कि ऐसी ज़मीन होनी चाहिए जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो डिकम्पोज होने लगता है, और उस डिकम्पोजिशन की वजह से क्या हो जाता है, मीथेन गैस बाहर निकलता है, ठीक है, और मीथेन गैस क्या है, वो एक ग्रीन हाउस गैस है, राइट। वेस्ट बर्निंग, वेस्ट बर्निंग जब हम करते हैं तो बहुत बार ऐसे होता है कि वेस्ट कलेक्ट करने के बाद हम उसे सीधा ऐसे जला देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, एरोसोल पार्टिकल या फिर और भी जो हार्मफुल गैसेस है वो एनवायरनमेंट में क्या हो जाते हैं, एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। फॉसिल फ्यूल बर्निंग, फॉसिल फ्यूल बर्निंग से हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, राइट। अब ये रहा रीजंस के बारे में, इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, ठीक है, मतलब कोई चीज़ हो रही है, आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी ले लो, आपके साथ कोई घटना घटित हो रही है, राइट, तो उसके पीछे रीज़न हो सकते हैं कुछ, ठीक है, तो वो चीज़ हमारे साथ हो क्यों रही है, इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले वो हो क्यों रही है उसकी जो जड़ें हैं वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो जड़ें फाइंड आउट करते हैं, मतलब क्या करते हैं, हम रीज़न फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो इसी तरह से जो एयर पोल्यूशन हो रहा है तो वो हो क्यों रहा है ये हमने देखा, अब हो तो रहा है बट उसके इम्पैक्ट भी तो देखने चाहिए, इम्पैक्ट पॉजिटिव या फिर नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट मोस्टली हम एयर पोल्यूशन जैसी स्थिति या फिर पोल्यूशन, ओवरऑल पोल्यूशन जब देखते हैं तब हम उसे नेगेटिव ही लेते हैं, राइट, इसलिए तो नाम पोल्यूशन है, राइट। तो जब इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन की बात आती है तो उसमें ज़्यादातर इम्पैक्ट हम ह्यूमन बीइंग पे होता है, राइट, जो जैसे कि बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिसीज हो सकते हैं, अस्थमा का इशू हो सकता है, ठीक है,
नेक्स्ट हम बोल सकते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो उसमें ज़्यादातर हमें हाल ही फिलहाल में क्लाइमेट चेंज के बारे में हम बहुत बार पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज होने के पीछे यही कुछ ग्रीन हाउस गैसेस रिस्पॉन्सिबल है। उस वजह से क्या हो रहा है कि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, और उस हिसाब से क्या हो रहा है, हमारा रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहा है, जो एग्रीकल्चर है उस पर निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। ओजोन होल डिप्लेशन, अब ओजोन होल डिप्लेशन होने के पीछे वन ऑफ द मोस्ट रीजन CFC है, ठीक है। अब ये CFC गैस जो है वो क्या हो जाता है, हम AC का यूज़ करते हैं तो AC से CFC बाहर निकलता है, और ओजोन हो गैस जो है वो क्या करता है, हमें इंटेंस सोलर रेडिएशन से बचाने का काम करता है। बट मान लो कि अगर आप CFC का ज़्यादा इमिशन हम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक टाइम ऐसे आ जाएगा कि ओजोन होल बिल्कुल ही नहीं बचेगा, राइट। तो उसे हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। इकोसिस्टम पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। इकोनॉमिकल इम्पैक्ट कैसे हो सकता है, मान लो कि हमें पोल्यूशन हो रहा है बहुत ज़्यादा तौर पे, और उससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली हमारे हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। अब हेल्थ पे इम्पैक्ट हो रहा है तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी काम करने की, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, हमारा इनकम भी जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो गवर्नमेंट है उसको सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उस पर ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और भी आप उसमें कुछ अगर आप आपको जो सूझते हैं तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब इम्पैक्ट तो हो रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट तो हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उस पर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, राइट। हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, राइट। कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं हम, ऑड इवन नंबर, जो केजरीवाल गवर्नमेंट है उन्होंने ट्राई किया था कि दिल्ली एनसीआर रीजन में आप ऑड इवन नंबर का यूज़ करेंगे। हालांकि इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हुआ, बट इससे एक हो सकता था कि हम ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर सकते थे और एयर पोल्यूशन कम हो सकता था, राइट। ग्रीन कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर मतलब कि आप क्या कर सकते हो, जहाँ कहीं भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है तो वहाँ पे हमें ज़्यादातर एयर पोल्यूशन दिखाई देता है, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। और पेड़ क्या करते हैं, मोस्टली हमें पता है कि उनका काम होता है हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और वो खुद क्या कर सकते हैं, करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन करते हैं, राइट। और जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी है वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा तौर पे क्या कर रहे हैं, वो जो रोड है नेशनल हाईवे एरिया है वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो पेड़ का पेड़ लगा रहे हैं, राइट, ठीक है। तो इस तरह के कुछ हम इनिशिएटिव ले सकते हैं, ठीक है। ग्रीन चारकोल यूज, ठीक है। जो ट्रेडिशनली हम क्या कर सकते हैं, जो थर्मल करते हैं, जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे हम कोल का यूज़ करते हैं, और हमें पता है कि हमारे पास जो कोल है वो मतलब बहुत ही कम क्वालिटी का कोल है, ठीक है। इसलिए हमें बहुत बार ऐसे होता है कि इम्पोर्ट करना पड़ता है कोल। तो वो जो कोल हम कोल का यूज़ करते हैं वहाँ से क्या होता है कि जो आउटपुट है, जो आउटकम है, उससे ये होता है कि मतलब जो ऐश बाहर निकलता है ज़्यादा, ठीक है, जो यूज़फुल नहीं है, ठीक है। तो ये बोलने के लिए हम मतलब ये बोल सकते हैं हम कि जो हम ये जो कोल यूज़ करें वो बहुत ज़्यादा कम क्वालिटी का कोल है। तो उस जगह पे अगर हम ग्रीन कोल का यूज़ करते हैं, ग्रीन कोल यानी कि ऑब्वियसली ऐसा कोल है जिससे पोल्यूशन कम हो सकता है, राइट। तो ऐसे कोल का अगर हम यूज़ करते हैं, या फिर उसके रिप्लेसमेंट में अगर हम ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी लाते हैं या फिर इम्पोर्ट करते हैं, तो उससे भी क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव वे हमें मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में होके इनफ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होके सिर्फ इनफ नहीं है, हमें उसे अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन भी करना चाहिए, राइट। हर एक सिटीजन की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जो कचरा है, अगर हमारे बहुत बार ऐसे लोग भी हम देखते हैं कि मतलब कचरे का डिब्बा अगर आपके सामने भी हो तो वो कचरे के डिब्बे में कचरा नहीं डालेंगे, उसके साइड में डालेंगे, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियाँ ना हो, इसलिए लोगों के माइंड चेंज करने चाहिए, राइट। माइंड चेंज कर तो नहीं किया जा सकता, बट हम उनको अवेयर तो करवा सकते हैं एटलीस्ट, राइट। एंटी स्मोक गन, एंटी स्मोक गन मतलब ये एक इस तरह का गन है, वो आप क्या कर सकते हो, जो एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, यानी कि PM 2.5 से लेके PM 10 तक जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल है एयर में, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे वाटर डाल के हम क्या कर सकते हैं, गन के द्वारा वाटर वाटर डाल के हम क्या कर सकते हैं, उसको ज़मीन पे ला सकते हैं, ठीक है। तो उससे हम एयर को क्लीन कर सकते हैं इस तरह से। मोस्टली आपने देखा होगा कि बारिश के पहले के एयर आप देखो और बारिश के बाद की एयर देखो, आपको एनवायरमेंट ज़्यादा क्लियर नज़र आता है, यानी कि
एयर जो है वो ज़्यादा क्लीन नज़र आती है बारिश होने के बाद। वो क्यों? क्योंकि बारिश क्या करता है, वाटर का जो जो रेनफॉल का वाटर है वो क्या करता है, खुद के साथ जो एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, जो धूलिकण है, उसको भी क्या करता है, वो खुद के साथ ज़मीन पे लाता है। इसलिए हमें आपको आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि आपको जो रेनफॉल होने के बाद की जो एयर है, एनवायरमेंट है, वो ज़्यादा आपको साफ़ सुथरा दिखाई देता है, राइट? तो उस वजह से होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम का मेन मोटिव यही है कि 2017 के लेवल पे आपको क्या करना है, जो PM 2.5 है और PM 10 है उसको मतलब कम करना है, अभी जो जितना इमिशन हो रहा है उसे कम करना है, ठीक है? तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से होना ज़रूरी है, इसलिए गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली बनती है, ठीक है? तो इस तरह से और भी कुछ आप पॉइंट ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आप एयर पोल्यूशन पे अगर UPSC किसी भी वे से क्वेश्चन पूछे, तो हमने यहाँ पे जितने पॉइंट्स कवर किए हैं, रीजंस, उसके इम्पैक्ट और वे फॉरवर्ड, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि UPSC किसी और एरिया में क्वेश्चन पूछे अगर आप एयर पोल्यूशन की बात करें।